हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्वेता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से बिस्किट, जिसमें हम ना ही कोई मैदा और ना कोई सोडा यूज करेंगे। घर में आसानी से अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा बोल लिया है, जिसमें हम एक कटोरी आटा लेंगे। ऐसी कोई भी कटोरी या फिर कप ले लें जिससे आप मेजरमेंट कर सकें। तो मैंने यहाँ पर इस वाले बोल से 1 बोल ऑफ गेहूं का आटा लिया है। 1/2 कप हम बेसन ले लेंगे और अब इसे हम छान लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बेसन और आटे को अच्छे से छान लिया है। अब हम इसे साइड रखेंगे। यहाँ पर मैंने एक दूसरा बोल ले लिया है, इसमें हर 1/2 कप शुगर पाउडर लेंगे और 1/2 कप बटर लूंगी मैं। आप चाहे तो घी का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अनसॉल्टेड बटर का यूज कर रही हूँ, जिसे मैंने पहले से रूम टेम्परेचर में निकाल कर रखा था। इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे, जो हमारे शुगर को बैलेंस करेगा, और इसे हैंड बीटर से मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून वनीला एक्स्ट्रैक्ट ऐड करेंगे। इसे तब तक बीट करेंगे जब तक ये फ्लफी ना हो जाए। शुगर और बटर कम्प्लीटली मिक्स हो गया है और बटर और शुगर मिक्स करके इस कंसिस्टेंसी मिला। इसे हम उल्टा भी करते तब भी ये गिरे ना। लुक, शुगर और बटर अच्छे से मिक्स हो गया है। हमने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स रखा था, अब इसमें हम ऐड करेंगे। अब हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। इसे हमें मिक्स करके एक डो फॉर्म में रेडी करना है। यहाँ पर मैंने 1 कप दूध लिया है, जिसमें हम थोड़ा दूध ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। ये अब एक डो फॉर्म में आ गया है। छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। इसमें देखिए कहीं से भी कोई क्रैक नहीं है, मींस हमारा डो अच्छे से प्रिपेयर हो गया है। इस वाले आटे में आपको कहीं क्रैक लगे तो आप उसमें और दूध ऐड करके उसे सॉफ्ट कर लें। अभी से हम बिस्किट तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पार्चमेंट पेपर ले लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा आटा ले लेंगे और इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। तो यहाँ पर हम ऐसे इस तरह से बेल लेंगे। तो मेरे पास कुछ कटर्स है, आप किसी भी शेप कट कर सकते हैं। अगर आपके पास कटर ना हो तो कोई भी ढक्कन ले ले, जो कोई इस तरह से अट्रैक्टिव लगती है चीजें। इस तरह से मैंने कुछ शेप्स कट कर लिया है। यहाँ पर कुछ चॉकलेट चिप्स हैं, वो इस पे मैं ऐसे लगा दूंगी। ये बिस्किट सब रेडी हो गए हैं। अब इसको उठाकर और मैं ट्रे में रख लूंगी। मेरे पास कुछ M&M है, अब मैं इसमें M&M ऐड करूंगी। देखने में ये और ज्यादा बच्चों को अट्रैक्टिव लगेगा ऐसे इस तरह से चॉकलेट्स ऐड करने से। हमारी ये कुकीज भी अब रेडी हो गई है। इस तरह से टूथपिक का हेल्प लेके आप इसमें ऐसे डिजाइन बना सकते हैं। कुछ रोस्टेड कैश्यू नट्स है, इसे मैंने रफली चॉप्ड कर लिया है और इसे अब मैं इसमें लगा दूंगी। आपके पास जो भी नट्स अवेलेबल हो उसे भी यूज करके आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। कैश्यू नट्स वाली बिस्किट रेडी हो गई है। मैंने ट्रे में पार्चमेंट पेपर लगा लिया था और इसमें सारी कुकीज अपनी प्लेस कर दी है। अब इसे हम ओवन में डालेंगे। ओवन मैंने पहले से प्री हीट करके, अगर आपके पास ओवन ना हो तो भी आप गैस पे एक बिग कंटेनर में सॉल्ट या फिर सैंड डालकर आसानी से बिस्किट बेक कर सकते हैं। 15 मिनट हमारा बिस्किट अब बेक हो गया है। ये देखिए गोल्डन कलर का हो गया है, मींस ये अच्छे से बेक हो गया। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। हमारी सारी बिस्किट ठंडी हो गई है। अब मैं इसे आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि हमारे बिस्किट कैसी बन गई। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।